नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। टीकमगढ़ के बड़ागांव धस्तान के मिथिला खेरा में दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नगर परिषद के द्वारा ठेकेदार और इंजीनियर पर घटिया निर्माण कार्य कराए जाने के आरोप लगाए गए। दुकानों के निर्माण कार्य में घटिया स्तर के मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिससे प्लर में से सरिये बाहर की ओर झांक रही है और वहीं सेल्फ भी लूम गया है। इस प्रकार निर्माणाधीन दुकानों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मानक के विपरीत कार्य होने से नगर परिषद के पार्षदों ने, अध्यक्ष उप प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष उप प्रतिनिधि ने नाराजगी जताई है। दरअसल मिथिलाखेरा में दुकानों के निर्माण कार्य कराए जाने का कार्य 76,71,000 रुपए का स्वीकृत हुआ था, लेकिन दुकानों के निर्माण में ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म की पदार्थ का उपयोग किया गया है, जिसका विरोध नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है। नगर परिषद ने बताया कि दुकान निर्माण में घटिया किस्म की रेत के साथ साथ कम मात्रा में सरिया और घटिया सरिया का उपयोग किया गया, जिससे दुकान की गुणवत्ता ठीक नहीं है। और तो और ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से कार्य किया गया, जिसका वैल्यूएशन कर भुगतान भी किए जाने के आरोप इंजीनियर पर लग रहे हैं। जगत न्यूज 24 टीकमगढ़ बड़ागांव धस्तान से कमल राजपूत की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी बताएं, जो नगर पंचायत के द्वारा दुकानों का निर्माण कार्य मिथिला खीरे में चल रहा है, इसके बारे में बताएं कैसा क्या चल रहा है। भाई साहब, मैं तो अध्यक्ष हूँ, ये भारतीय प्रजापति है, लेकिन चूंकि नगर के कार्य में देखता हूँ जी, उन्होंने मुझे अधिकृत किया है प्रतिनिधि के रूप में। अब मिथिला खेरे की दुकानों का सवाल है, तो मिथिला खेरे की दुकानों का 36 कार्यों का भूमि पूजन तत्कालीन विधायक जी ने किया, उनने गाँव के लिए कोई खराब नहीं किया, सैंक्शन किया था 36 कार्य, भूमि पूजन भी किया था, जिसमें से वो कार्य था उसका बाकायदा ऑफिस के द्वारा इंजीनियर के माध्यम से DPR बनाई गई, टेंडर लगाया गया। कितनी दुकानें बननी थी वहाँ पे? वहाँ 23 दुकानें बनना है। कितना बजट आया था वहाँ की? बजट का है कार्यालय में मालूम पड़ेगा, एडजेट कितना है वहाँ से मालूम पड़ेगा। तो क्या वो कार्य हो रहा है, वो गुणवत्ता से हो रहा है, आपने देखा? नहीं, हमने तो क्या है कि जब सब लोग मोहल्ले के थे, पार्षद लोग थे, आप लोग भी सभी थे, हम वहाँ पहुँचे देखा, तो ये बात तो सत्य है, गुणवत्ताहीन कार्य है। जब गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है वहाँ पे, तो आपके नगर परिषद इंजीनियर जी सब क्यों क्या देख रहे हैं उसे? क्या तो हमारे इंजीनियर और वर्तमान CMO यह था, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखा था कि वो वहाँ देखने गए थे, तो अब उन्होंने क्या निर्णय लिया इंजीनियर साहब ही बताएंगे कि क्या देखा उनने। कितना बजट आया था वहाँ के लिए? अब बजट तो वही ऑफिस वाले बता पाएंगे। उसका पेमेंट कितना हो गया अभी? उसका पेमेंट भी वही बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये है, जितना उनने कार्य रनिंग में किया था उसका पेमेंट हो गया है। अभी काम क्यों रुक गया था बीच में? अभी कार्य है ना, जो अब जाने क्यों रुक गया था, जो इंजीनियर बता पाएगा कि उन्होंने क्यों कार्य रोका। आज क्यों रुका फिर कार्य? आज है ना, जो आज तो नहीं रुका है, अभी चालू था। तो अभी तो बीम डल रहा है, उसके बाद काम रुक गया है, तो क्यों अभी रुक गया है? तो है ना, जो अभी ये इंजीनियर बता पाएंगे कि क्यों रुक गया। परिषद ने मना किया रुकने, वो बोल रहे परिषद ने मना किया, तो अब परिषद ने मना किया तो ये परिषद को है ना, जो जब इकट्ठा करेंगे तब वो पूछेंगे उनसे, तब मालूम पड़ेगा। अब चालू होगा फिर? अब काम चालू होगा। अब यदि मालूम इंजीनियर है ना, जो उसकी गुणवत्ता की जाँच कर ले, वर्तमान CMO जाके देख ले, तो है ना, जो मतलब वही निर्णय ले पाएंगे। चालू अगर गुणवत्ताहीन काम हो रहा है, अगर कोई घटना घटती है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो वो इंजीनियर होंगे और तत्कालीन CMO श्री राजेश अवस्थी और ठेकेदार। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।